हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज गौरव एंड यू आर वाचिंग ट्रेडर सर। सबसे पहले यार, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। 10,000 के बहुत ज्यादा करीब है। 10,000 होते मैं अपना बाइनरी का कोर्स लॉन्च करूंगा और भी बहुत सारी चीजें करनी है आप लोगों के लिए, तो 10,000 करवा देना, ठीक है। और द टॉपिक ऑफ टूडेज वीडियो इज हाउ टू रिकवर योर लॉस स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको अपना लॉस रिकवर कैसे करना है, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ, ठीक है। और आपको भी जो करना चाहिए, क्योंकि जो मेरे लिए काम कर रहा है वो आपके लिए भी काम कर सकता है। तो कल क्या हुआ था, मैं कल ट्रेड कर रहा था और हुआ ये कि मैंने $100 सेलेक्ट किया था। तो मैंने $100 सेलेक्ट किया था तो वो ट्रेड मैंने विन कर ली, ठीक है। तो मैं $100 से ट्रेड कर रहा था तो एक मोमेंट ऐसा आया कि मेरी $100 की ट्रेड जो है लॉस हो गई। उसको रिकवरी करने के लिए मैंने $500 का MTG मार लिया, वो मैंने विन कर लिया। अब मुझे बैक टू 100 आना था, पता नहीं क्या हुआ, मतलब शायद मैं फोन चला रहा था, क्या हुआ, मेरा ध्यान भटक गया और मैंने जो है चेंज नहीं किया 500 को, और मुझे लगा शायद वहां पे 100 ही है। तो एक जगह मुझे बहुत ज्यादा श्योर शॉट अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे जो है मुझे विन होना था, मेरे हिसाब से जहां पे विन होता है, ठीक है। मैंने वहां पे $500 की 4 ट्रेड घुसेड़ दी, ठीक है, $2,000 की। और जब वो ट्रेड लग गई तब मुझे दिखाई तो $500 की लगी है। अब वो क्योंकि मेरा श्योर शॉट था, उसको फेल नहीं होना था, पर फिर मैंने ध्यान दिया वो मार्केट OTC था, तो उस समय तो मतलब मुझे इतना पता था कि ये तो लॉस ही है, वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था अपना लॉस, क्योंकि OTC में लेवल तो फॉलो होंगे ही नहीं। और OTC देखो, कभी कभी हफ्ते में एक दो दिन OTC ना लेवल एकदम परफेक्ट फॉलो करता है, वो आपको $100 के 1,000 बनवा देगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो लेवल फॉलो नहीं करता, वो रेंडमली चल रहा होता है, कुछ भी बना रहा होता है। तो मुझे पता था मैं हारूंगा और मैं उसको हार गया। फिर मेरे पास कुछ $200-$300 बचे थे कुछ, और बस फिर मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने बोला हो गया भाई। देखो, और एक चीज तुम बहुत ध्यान रखना है, बहुत बंदे गलती करते हैं, हम अमाउंट सेट करके भूल जाते हैं। कभी कभार क्या होता है, आप मान लो ₹500 की ट्रेड ले रहे हो, आपने 500 क्या है रुपीज से ट्रेड ले रहे थे, आपने रुपीज को USD में कन्वर्ट किया, पर होता क्या है कि एक्चुअली में ट्रेड अमाउंट कन्वर्ट नहीं होता, तो जहां पे ₹500 था वहां पे $500 हो जाएगा और आपको लगेगा कि मैं तो ₹500 लिख रहा था, तो ₹500 के हिसाब से जितने बंदे होंगे $5-$6 शायद वो कन्वर्ट होंगे, पर वो नहीं होते, वहां पे ₹500 का डॉलर बन जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, बड़े ही सिली मिस्टेक है, पर बहुत लोग करते हैं, इसलिए भी लोग हारते हैं। तो मेरे साथ कल वही हुआ था। तो बात करते हैं कि इसको रिकवरी कैसे करनी है, ठीक है। देखो यार, रिकवरी को ना मैं पार्ट्स में तोड़ता हूँ, ठीक है, कि रिकवरी कैसे करनी है। अब जैसे कि मेरा कल $4,000 का लॉस हो गया था, ठीक है, ट्रेड करते करते टोटल $4,000 का लॉस हुआ था। तो मैं 4,000 को आपको पता है मैं कैसे रिकवरी करूंगा। अब एक्चुअली में क्या होता है ना, 4,000 रिकवरी के चक्कर में बंदे $2,000 और डालते हैं, उसमें दफा दफ ट्रेड लेते हैं। अब होता क्या है कि जब हम लॉस करते हैं ना, जैसे कि अभी मेरे पे $4,000 कैपिटल था जो मैंने लॉस कर दिया, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, सब कुछ अच्छा लग रहा था, $100 की ट्रेड लेके मैं जीत रहा था, अच्छी फीलिंग थी। अब इस फीलिंग को दोबारा लेना है तो आपको अपना लॉस रिकवरी करना पड़ेगा, 4,000 पे वापिस आना पड़ेगा, और जो प्रॉफिट था वो भी चाहिए। तो अब जब हम हार जाते हैं तो अंदर जो खुजली होती है ना, मतलब वो पागलपन होता है, मैं समझ सकता हूँ कैसा पागलपन होता है, क्योंकि मैं गुजरा हूं उस चीज से। तो जो पागलपन होता है उसका सोल्यूशन सिर्फ ये लगता है कि कैसे भी करके अपना इनिशियल कैपिटल वापस लाना है। तुम 2,000 और डालते हो और दिमाग खराबी की वजह से डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है, वो भी हारते हो। मेरे साथ वही हुआ, $500 की मैं हार गया, उसके बाद फिर 500 की लगाई, फिर वो भी हार गया, फिर 4,000 का मेरा लॉस हो गया। पर यहाँ पे देखो, भले ही ठीक है मैंने भी गलत किया, मैंने भी ट्रेड ज्यादा लगाई, पॉइंट ये है कि मैं रिकवरी कर सकता हूँ, ठीक है। देखो, तुम कितना भी तेज बन जाओ, तुम कितना भी जो है 30 मार खान हो, हफ्ते में महीने में एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारे अंदर से ना चीजें भर जाएगी। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि हमें कोई चिढ़ा रहा है, कोई हमें टीज कर रहा है, बार बार छेड़ रहा है, तो हम कंट्रोल करते हैं ना, करते 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 हैं, हमारे अंदर वो गुस्सा जमा होता है, एक दिन किया, दो दिन किया, तीन दिन किया, चार दिन किया, पर पांचवे दिन बहुत गुस्सा आता है, मतलब मुक्के मुक्कर लात ही लात पड़ती है, बहुत गुस्सा आता है, आता ना बम फट जाता है। साइकोलॉजी सेम तरीके से वर्क करती है। तुम एक दिन प्रॉफिट कर रहे हो, दो दिन प्रॉफिट कर रहे हो, तीन दिन प्रॉफिट कर रहे हो, पर करते करते ना एक सैचुरेशन पॉइंट आता है कि वहां आपके इमोशंस भर रखे होते हैं अंदर, क्योंकि आप हर दिन ना इमोशन से लड़ रहे होते हो, तो लड़ते लड़ते वो इकट्ठे हो जाते हैं अंदर, महसूस तो मेरी बात रिलेट कर पा रहे होंगे, मैं जानता हूं, वो ना इकट्ठे हो जाते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो फट के बाहर निकलते हैं। तो इससे बचने का ना एकमात्र तरीका है स्टॉप लॉस। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मुझे रुकना कहां पे है। हर दिन $100 का प्रॉफिट करके 10 दिन प्रॉफिट करके $1,000 बनाए। अब आपने स्टॉप लॉस $200 का मार लिया, अगर उस दिन आप $200 मारते हो तो आपको रुकना है, बस यही चीज तो सीखनी है, यही जरूरी है। तो हुआ ये कि मैंने ट्रेड इसलिए मारी क्योंकि मैं डिपॉजिट कर सकता हूं दोबारा,
मैंने तो इसलिए मार ली, मेरे पे अगर वही फाइनल कैपिटल होता तो मैं नहीं करता, स्टॉप लॉस होता, सिंपल सी बात है। तो $2,000 वैसे हारा, 2,000 बाद में हारा, 4,000 का लॉस हो गया। तो अब मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, पहले मैं खुद को टाइम दूंगा एक हफ्ते का, मैं बोलूंगा भाई $4,000 का लॉस हो गया, एक हफ्ते में निकालो इसको। तो एक हफ्ते का टाइम मुझे मिल गया, अब मुझे इसको एक हफ्ते में रिकवर करना है, ठीक है। तो अब मैं हफ्ते के हिसाब से, पर डे के हिसाब से फिर टारगेट बैठा दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, सैटरडे संडे तो ओटीसी रहता है, उसने हरा नहीं है, तो 5 दिन के हिसाब से $800 पर डे होता है। तो मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है, मुझे पता है कि मुझे कैसे रिकवर करना है। मैं अगर आज 4,000 रिकवरी करने चले गया तो भाई मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, जो 2,000 डालूंगा वो भी जाएंगे, फिर मैं 5 डालूंगा वो भी जाएंगे, करते करते सब खत्म हो जाएगा। इसके लिए जितना खिलाओ उतना कम है मार्केट को यार, ये तो कुआं है, जितना निकालो उतना कम, जितना डालो उतना कम, कम होता है इसके लिए। तो फिर इस तरीके से आपको करना है। तो मैं अपने आपको टाइम दूंगा भाई, एक हफ्ता है, सैटरडे संडे तो मत ही करना, जब तक लॉस रिकवर नहीं होता मैं तो नहीं करूंगा, या तो कब अमाउंट से करूंगा। और जो 5 दिन है उसमें मुझे पर डे 800 का मेरा टारगेट है, तो मुझे $800 निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं $3,000-4,000 दोबारा डालूंगा और 800 का टारगेट रखूंगा, ये नहीं कि 4,000 एक दिन में कमाने। तो जब 5 दिन के बाद 4,000 कंप्लीट हो जाएंगे तो अपना वापस विड्रॉ कर लूंगा 4,000, और 4,000 से फिर ट्रेड करूंगा। तो इस तरीके से आपका ना साइकोलॉजी काम करती है, आपको इस तरीके से लॉस रिकवरी करनी है। आप जितने भी बंदे देख रहे हो ना मेरी वीडियो, जितने भी बंदे देख रहे हो, छोटा हो बड़ा हो, ये गलती आपने करी है और आप अभी भी कर रहे हो। आप क्या $100 लॉस होते हैं, आप 200 डिपॉजिट कर लेते हो, 100 को कवर करने के चक्कर में वो 200 भी जाते हैं, फिर आप सोचते हो कहीं से लेके 500 डाल दूं, वो 500 भी जाते हैं। और ऐसे करते करते ऐसा पॉइंट आता है जहां पे अपना रिकवर करना ही मुश्किल हो जाता है। देखो आप $100 थे, अगर $20-$20 पे डिवाइड करूं तो 5 दिन में $100 वापस आ रहे हैं, पर तुम्हें वो 5 दिन नहीं दिखते यार, 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 5 दिन। 5 दिन के बाद खुशी है सारी, $100 वापस, पर लेकिन तुम्हें जो 5 मिनट पहले जो खुशी थी, जब तुम्हारे पास कोई लॉस नहीं था, जब तुम थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर रहे थे, तुम्हें वो चीज वापस चाहिए। ये चीज पता है कौन करता है, कोकेन का नशा करते हैं, क्योंकि जब कोकेन का नशा करते हैं उनको लगता है कि हम जो है राजा हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जो फीलिंग होती है ना, उसको बार बार चाहने के लिए वो लोग कोकेन का इस्तेमाल करते हैं, या कोई एनी अदर सब्सटेंस, बहुत सारे हैं, LSD हो गया वगैरह वगैरह, किसने लिया हो तो उसे पता होगा। तो सेम ट्रेडिंग में हो जाता है, क्योंकि हमें वो पुरानी फीलिंग अच्छी लग रही थी जब हम प्रॉफिटेबल थे, तो हमें वापस वहां जाना है, उसके लिए हम प्री-डिपॉजिट करते हैं। तो सब कुछ पता होने के बावजूद, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, सब कुछ पता होने के बावजूद बंदे अगर प्रॉफिट नहीं कर पा रहे ना, उसके पीछे रीजन का यही है कि आपको पता भी है आपकी गलती क्या है, आप रुक नहीं रहे, आप डिपॉजिट कर रहे हो पर फिर भी कर रहे हो। मुझे बंदे कहते हैं कि यार भाई मैं प्रॉफिट तो कर लेता हूं, पर एक दिन क्या होता है मैं खुद को रोक नहीं पाता हूं। तो मैं कहता हूं यार, जब प्रॉब्लम तुझे पता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाता हूं, तो खुद को रोक ना। कुछ चीजें के आंसर कितने सिंपल नहीं होते, मतलब अब तुम्हें रोकने मैं थोड़ी आऊंगा तुम्हारे घर, अब तुम्हें पता है कि मैं रुक नहीं पाता तो रुको, स्टॉप लॉस बनाओ, ये चीजें होती है। तो इस तरीके से आपका जो है, अब अपना लॉस रिकवर करेंगे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, दिस इज द ओनली वे। या तो तुम्हारे पे बहुत पैसा है, तो आप अमीर घर से हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें बार बार $1,000-$10,000 दिए जा रहे हैं, तो तुम कर भी लोगे एक दिन में। पर अगर तुम ऐसी जगह से आते हो जहां पे $500-$200 बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो तुम्हें तो भाई बिल्कुल यही स्टॉक फॉलो करना है, धीरे धीरे लॉस रिकवर करना है, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट करना है। फिर एक टाइम आएगा जब तुम्हारा कैपिटल 5-7 लाख बड़ा हो जाएगा, तब तुम 1-1 लाख पे 5-5 हजार 10-10 हजार का रिस्क ले पाओगे, तब तुम उसको और बड़ा ग्रो कर पाओगे, ठीक है। वो मैं तुम्हें किसी आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कैसे किया था, ठीक है, आ जाएगी वीडियो 10,000 के बाद मैं बना दूंगा कि अब कैसे ग्रो करेंगे। तो बस सिंपल था, ऐसा ही होता है सब, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरे फ्री ग्रुप पे आना है, आपको मेरे फ्री सिग्नल चाहिए प्रॉफिटेबल, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके आपको सिंपल अपना अकाउंट बनाना है, उस पर डिपॉजिट करना है, मैं आपको अपने ग्रुप में डाल दूंगा और सिग्नल्स भी लेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरे पेड ग्रुप में आके मुझसे लाइव सीखना, लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन सीखना है, जिसपे पूरी दुनिया का मार्केट चलता है, लाइव मार्केट में OTC हो या कोई भी हो, तो मेरे पेड ग्रुप में आना, उसकी फीस है ₹2,500 फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप, ठीक है। तो यही था आज के बारे में, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी कोई क्वेश्चन है कमेंट करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।